असल वरह वरक नादरन है फ़िक्र खबर स्टूडियो में रिजवान अहमद नदवी मुल्क और आलिमी अहम और ख़ास खबरों के साथ तो नादिन इस वक्त कई सारी अहम खबरें हैं जो कि आपके सामने रखनी हैं खासकर गजा के तल्ल से वहाँ क्या हो रहा है मकबूजा मगरबी किनारे में क्या हालात हैं वो आपके सामने रखेंगे इसके साथ हिंदुस्तान से जुड़ी हुई कुछ अहम और ख़ास खबरें हैं तो नादरन देखते रहिए खबरनामा तो नादिन शुरुआत करेंगे गजा की खबरों के साथ गजा पर इसराइली जंग का आज तीन सौ अट्ठाईसवां दिन है लगातार इसराइली हमले जारी हैं गज़ापट्टी में पिछले चौबीस घंटों की बात करें तो इसराइली फ़ौज ने चार कत्लेम किए हैं जगहों पर जिनमें अठ अड़सठ अफरा शहीद हुए हैं और सतहत्तर अफराज जख्मी हैं वो इसराइलीब फ़ौज ने वेस्ट बैंक में कल से नया ऑपरेशन शुरू किया है जनीन तोबास और अतुलकरम में मुसलसल दूसरे रोज भी फ़ौजी ऑपरेशन जारी है कल से आज तक शुहदा की तादाद अट्ठारह हो चुकी है वहाँ बारह अफराद को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है कल से अगर बात करें तो बीस अफराद गिरफ़्तार किए जा चुके हैं जबकि सात अक्टूबर के बाद से वहाँ एक हज़ार से ज़्यादा अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है इसराइली वज़रा अब ये बयान भी दे रहे हैं कि मगरबी किनारे में रिहाइश पजीर फ़लस्तियों को वहाँ से बेदखल किया जाना चाहिए आपको मालूम होना चाहिए कि वेस्ट बैंक ये हमास के ज़ेर कंट्रोल कोई इलाका नहीं है ये इलाका फ़लस्ती अथॉरिटी के तहत आता है जिसके सदर महमूद अब्बास है लेकिन वहाँ नए ऑपरेशन पर इसराइली हुकूमत अब तनकीदों के निशाने पर भी है यूरोपीय यूनियन ने भी इसराइली वजी ख़ारजा की जानब से मगरबी किनारे से फ़लस्तियों को बेघर करने के मुतालबात को मुकम्मल तौर पर कबूल करार दिया है वहीं कई अमरीकी गैर सरकारी एन जी ओज़ भी मुतालबा कर रही हैं कि अब अमरीका को इसराइल के लिए हथियारों की सप्लाई रोक देनी चाहिए क्योंकि अब वो मकबूजा मगरबी किनारे में भी नसल कुशी के कार्रवाई अंजाम दे रहा है लेकिन इसराइल को उसकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि वो जानता है कि अमरीकी हुक्मरान उनकी कठपुतली बने हुए हैं दोनों ही सदारती उम्मीदवार खुद को इसराइल नवाज साबित करने के लिए उनकी पैर की जूती भी बन सकते हैं रही बात मगरबी ममालिक वो तो सिर्फ मजम्मती बयान जारी करेंगे उससे आगे वो कुछ नहीं करने वाले या सूरत हाल जो है वो इसराइल भी जानता है रही बात अरब आर, ममालिक वो भी कुछ ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं जैसा कि इतने महीनों से देखा जा रहा है वहीं मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली हमलों में इजाफे के बाद फ़लस्ती सदर महमूद अब्बास सऊदी अरब का दौरा मुख्तर करके फ़लस्तीन वापस लौट चुके हैं गजा बॉर्डर से तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें असीरान के अहल जो कि अब इसराइली वजी अजम की पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं इसराइली कस्बे निराम से सरहदी बाढ़ तोड़ते हुए अब वो दिखाई दे रहे हैं उनका कहना है कि हुकूमत को असीरान की रिहाई में कोई दिलचस्पी नहीं है अब ये काम उन्हें खुद अपने हाथों में लेना होगा हमें ही अपने असीरान को छुड़ाना होगा इस तरह कहते हुए वो जो है बाढ़ को तोड़ते हुए नजर आए उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने इम साल फरवरी में हल्दवानी में एक मदरसे की निदामी कार्रवाई पर मुसलमानों के एहतजाज के बाद हिरासत में लिए गए 50 अफराद की पहले से तयशुदा जमानत को मंजूरी दे दी है उत्तराखंड पुलिस और हजूम ने पुरतशद्द तरीके से मुजाहन पर हमला किया था जिसके नतीजे में पाँच अफराद हलाक हुए थे उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में तीन एफ दर्ज की थी और जून तक एहतजाज में मुबैना तौर पर मुलवस होने के इल्ज़ाम में चौरासी अफराद को हिरासत में लिया था जिसमें कई खातन भी शामिल थी वक्तन फोक्ता उनकी हिरासत में तोसी भी की गई थी तीन में से दो एफ में गैर क़ानूनी सरगर्मियों की हिफाजत के एक्ट यू का भी इतलाक़ किया गया था उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और पंकज पुरोहित ने एक मुस्लिम शख्स की अर्जी को बरकरार रखते हुए हिरासत में लिए गए अफराद को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किया है हाईकोर्ट ने 11 मई और एकम जुलाई को हिरासत में लिए गए अफराद की हिरासत में तोसी के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को गलत और नापाएदार करार दिया आपको बता दें कि ने इन्हें कानूनी इमदाद फरहम की थी आसाम के वजरा अपने मुस्लिम मुखालिफ बयान और इकदाम की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं गुज्तर दिनों मुस्लिम मैरिज कानून बनाने और उसके बाद फ्लड जहाद का शोशा छोड़ने और मुस्लिम सहाफ़ी के साथ बदतमीजी से पेश आने के बाद उन्होंने आसाम के मुसलमानों के लिए मियाँ मुस्लिम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए गुमराकुन प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हुए कहा था कि वो मियाँ मुसलमानों को आसाम पर कब्जा करने नहीं देंगे गुजतर रोज़ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने भी उनके इस बिगड़े बोल को खालिश फिर जहर करार देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी उन्होंने कहा था कि इस तरह के बयान का जवाब खामोश रहकर नहीं दिया जा सकता बल्कि सामने आकर दिया जाना चाहिए वहीं अब इस मामले में आसाम के अट्ठारह अपोजिशन पार्टियों ने वज़ी अल के ख़िलाफ़ पुलिस में तहरीरी शिकायत की है और नफ़रत फैलाने का इल्ज़ाम आए करते हुए उनकी फौरी गिरफ़्तारी का मुतालबा भी किया है अपोजिशन पार्टियों का इल्ज़ाम है कि हेमंत बिश्व शर्मा मजहब की बुनियाद पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और वो एक ख़ास तबके को हदफ बनाकर फिर खबाराना कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह के बयान से रियासत में फसाद जैसे हालात बन सकते हैं इस तरह का इल्ज़ाम अपोजिशन पार्टियों की जानब से आयद किया जा रहा है लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा के बयान जो है वो लगातार जारी हैं वो लगातार मुस्लिम मुखालिफ बयान दे ही रहे हैं राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में दो लड़कियों की मौत पर बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया है राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत से इंसाफ की उम्मीद रखना गुनाह बन चुका है राहुल गांधी ने कहा कि फरुखाबाद में पेश आने वाला वाक़ा इतहाई अफसोसनाक है मुतासर खानदान के साथ इंतज़ामिया का ऐसा रवैया किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता बता दें कि सत्ताईस अगस्त को यूपी के फरूखाबाद ज़िले के कायमगंज इलाके में दलित बरदरी की दो लड़कियों की लाशें दरख्त से लटकती हुई मिली थीं घर वालों ने कत्ल का शुबा जाहिर किया था तहम फरुखाबाद ज़िला पुलिस ने इसमत दरी और कत्ल के मकान से साफ तौर पर इनकार करते हुए उसे खुदकुशी करार दिया हालांकि घर वाले ये मानने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं हैं गुजरात में बारिश से मुतल वाकयात में मजीद उन्नीस अफराद हलाक हुए हैं इस तरह तीन रोज में बारिश से जान के बाजी हारने वालों की तादाद छब्बीस हो चुकी है हुकाम ने बताया कि बुध को मुसलसल चौथे दिन भी रियासत के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश जारी रही वहीं सैलाब से, से मुतासर इलाकों से सत्रह हज़ार आठ सौ अफराद को निकाल कर महफूज मकाम पर पहुँचाया गया है हिंदुस्तानी मुकम्म मौसमियात ने जुमेरात को सौराष्ट्र में वाक अजला के मुख्त्य हिस्सों में इंतहाई तेज़ रफ्तार बारिश की पेशन गोई की है एन डी आर एफ और एस डी आर एफ के अलावा फौज हिंदुस्तानी फजाइया और कोस्ट गार्ड बारिश से तबाह होने वाले इलाकों में बचाव और राहत की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जिसमें अब तक तकरीबन तक 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 सत्रह हजार लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है और दो हज़ार को बचाया जा चुका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है इससे मुस्लिम तबके में शदीद नाराज़गी है औरंगाबाद में मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानब से डिविजनल कमिश्नर की मार्फत हुकूमत को एक मेमोरेंडम दिया गया जिसमें रामगिरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के साथ साथ और बात की दीगर कई छोटी बड़ी मुस्लिम तनजीमों और मुस्लिम रहनुमा भी उसमें शरीक रहे मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने यह इंतबाह दिया कि अगर रामगिरी के खिलाफ खातिर खा कार्रवाई नहीं की गई तो कानून के दायरे में रहते हुए बड़े से बड़ा एहतजाज किया जाएगा जिसमें जेल भरो आंदोलन भूख हड़ताल और दीगर तरीक़े से एहतजाज शामिल है कौंसिल ने वा अला पर भी तनकीद किया और कहा कि जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं वजर अला एक नाथ शिंदे उनकी हिमायत करते हैं और कहते हैं कि उनका एक बाल भी बिका नहीं होगा जो कि सरासर गलत है और वो एक मुजरम का साथ दे रहे हैं जिसका मतलब साफ है कि वजर आल ख़ुद एक क्रिमिनल है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत अब सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ पोस्ट पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है क्योंकि उसने नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी जारी की है जिसके मुताबिक काबिल एतराज़ और मुल्क मुखालिफ पोस्ट पर जेल बल्कि उम्र कैद तक हो सकती है जबकि हुकूमत की कसीदा खानी करने पर माहाना पाँच लाख रुपये तक मिल सकता है उदयला योगी आदित्यनाथ की सदारत में होने वाली काबीना की मीटिंग में यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी गई है इसके तहत रियासती हुकूमत सोशल मीडिया मवाद ट्वीट्स वीडियोज़ और रीलों के जरिए अपनी पॉलिसियों को फरोग देने के लिए और इन्फ्लुएंसर की फहरिस्त तैयार करेगी यूपी महकमे इतलात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय सिंह का दावा है कि इस पॉलिसी के ज़रिए वो रियासत के लोगों को रोज़गार फराह कर सकेंगे दरअसल सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसियों और फर्म्स के लिए इश्ति का इंतज़ाम किया गया है ये पॉलिसी योगी हुकूमत की आवामी बहबूद अहम स्कीमों और कामयाबियों के बारे में मालूम फराम करने और उसके फ़वाद को डिजिटल और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने के लिए लाई गई है कोलकाता के अजिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर किस्मत देरी और कतल केस के 20 दिन बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने इस वाकई को मायूसकुन और खौफजदा करने वाला करार देते हुए कहा है कि अब बहुत हो चुका माशरे को ऐसे वाकयात को भूल जाने की बुरी आदत है इस तरह नहीं होना चाहिए इस तरह का बयान उनकी तरफ से सामने आया वहीं इसी बयान पर कांग्रेस ने हैरानी जाहिर की और कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने तो लफ्जों में कहा कि सदर जमहूरिया को पार्टी पर मबनी सियासत से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें सदर जमहूरिया मर्मू के तब, बयान पर तबसरा करते हुए लिखा कि सिर्फ कोलकाता ही नहीं आपको महाराष्ट्र राजस्थान बिहार यूपी और एमपी समेत मुल्क भर में खुवान के तय बढ़ते जरा के लिए हुकूमतों को नसीहत देने की जरूरत है आपको मणिपुर और खातून पहलवानों के जिनसे के वाकत और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आगे आने की भी जरूरत है अपोजिशन की ही नहीं बरसरअतदार बीजेपी और उसकी डबल इंजन की हुकूमतों की भी जिम्मेदारी तय करने की आपको हिम्मत दिखानी चाहिए इस तरह का बयान कांग्रेस हणुमा की तरफ से सामने आया वही कोलकाता के अर्जिक मेडिकल कॉलेज मामले में एहताजी मुजाहरे जो है वो अब भी जारी हैं बीजेपी ने बंगाल बंद का ऐलान किया था लेकिन इस तल्लु से वजी अल ममता बनर्जी ने सख्त नाराजगी भी जाहिर की थी उन्होंने अपने बयान में कहा है कि बीजेपी इंसाफ़ नहीं चाहती बल्कि वो सिर्फ़ बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है साथ ही वजर अल ने ऐलान किया कि वो एक ऐसा कानून बनाएंगे जिसके ज़रिए से दस दिनों के अंदर ही इस मददरी मुतासरी को इंसाफ़ मिल सकेगा उन्होंने कहा कि वो इसके लिए एक खसूस इजलास बुलाएंगी और इस तजवीज़ को मंजूरी के लिए गवर्नर के पास भेजेंगी और जिला ममता बनर्जी ने बीजेपी हुक्मरान रियासतों में हो रहे मजालिम का तस्करा करते हुए कहा कि बीजेपी लीडरान को अपने उज़रा अला से इस्तीफा मांगना चाहिए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी भी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और यहाँ तक के मणिपुर के उज़रा आला का इस्तीफा तक नहीं मांगा है बांग्लादेश की ऊबरी हुकूमत ने बाजाबा तौर पर बांग्लादेश जमात इस्लामी और उसके तलबा विंग छात्र शिविर की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी के फैसले को वापस ले लिया है बांग्लादेश में तख्ता और शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जल्द ही उस हुकूमत के लिए ज़रिए से लिए गए फैसले को ख़त्म किया जाएगा और मोहम्मद यूनुस की बूरी हुकूमत ने कुछ इसी तरीक़े का फैसला लिया है स्वीडन प्रॉजिक्यूशन अथॉरिटी ने कुरान पाक की बेहनमती करने वाले मलोन इराकी नजात सलवान मोमिका और उसके एक साथी के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करने के बाद फर्द जुर्म आयद कर दिए सीनियर प्रोजिक्यूटर ने अपने बयान में कहा कि दोनों अफराद के ख़िलाफ़ उन चारों वाकत के दौरान बयान देने और मुसलमानों की दिलाजारी करने के इरादे से कुरान जलाने पर कानूनी कार्रवाई की गई क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये मुसलमानों के अकायद का हिस्सा है ख्याल रखे स्वीडन और डेनमार्क में एक साल कबल होने वाले उन नापसंदीदा वाकआत पर मुस्लिम दुनिया में बड़ा गमो ग़ुस्सा पैदा हुआ था और मुलजिमान को सख्त सजाएं देने का मतालबा उनकी तरफ से किया जा रहा था तो तुरदिनियत खबरें मिसिस खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट फिक्र डॉट कर सकते हैं वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करें तो तुरदिनल्ला वर्क